जय श्री श्याम सभी को। मैंने अभी पहली बार देखा तो भाई बहुत मैं श्याम सारे भाइयों को जैसा कि आपको बताया कि रात हम इस शिविर में रुके थे तो भाई अभी तो थोड़ी बहुत देर में रेडी वेडी है, सब निकलते हैं यहाँ से चाय वाय पी के। तो जैसे कि आपको पता कि हमारा यात्रा का आज आठवां दिन है, तो बस बन रही है हमारे साथ, दिखाते हैं आगे आज क्या क्या कहाँ पहुँचते हैं। जैसे नॉर्नोल पहुँच चुके हैं और भाई आठ बज चुके हैं, 4-5 किलोमीटर हम चले आए होंगे। और देखो भाई किस रास्ते से जा रहे हैं हम, ये विकास जा रहा है और आगे सुरेंद्र और भी सुरेंद्र और पीछे भी काफ़ी सारे भक्त आ रहे हैं। तो भाई देखते हैं अभी आगे खाना वाना खाएंगे, दिखाएंगे सारा कुछ। ये वही रास्ता है जो ट्रेन लाइन के बराबर में से जाती है। तो हम चल रहे थे कच्चे रास्ते पे, तो भाई अब पड़ चुके हैं यहाँ पे पक्की जो कि डावर की रास्ता होती है। ये चेक करो भाई, और ये चल रहा है विकास, बस दिखाते हैं आगे का, बस बने रही है हमारे साथ। चेक करो कितने सारे भक्त जा रहे हैं इस रास्ते पर। हम पहुँच चुके हैं न्यू अटेली में, तो देखते हैं भाई नारनोल हम आज पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपका कैंप जो पड़ेगा उसमें पहले तो हम खाना खाएंगे, भाई भूख लग रही है हमें, अभी सुबह से अभी कुछ नहीं खाया है। तो मिलते हैं थोड़े अपडेट के बाद। शिविर लगा हुआ है अभी, यहाँ पे कुछ खाना खाते पीते हैं उसके बाद निकलेंगे। ये और भाई अभी थोड़ा बहुत देर रेस्ट करके फिर निकलेंगे उसके बाद, बस बने रही हमारे साथ। शिविर में रुक चुके हैं यहाँ पे, तो फल वल खाते हैं उसके बाद खाना वाना और उसके बाद निकलते हैं अपनी यात्रा पर रेस्ट वेस्ट करके। और देखते हैं हम आज कितनी मंजिल कवर कर पाएंगे। जय श्री श्याम। 10:41 हो रही हैं और भाई जिस रास्ते समझा रहे हैं अंदर हमें ट्रेन की लाइन पर चलना पड़ रहा है। देखते हैं बने रही हमारे साथ, दिखाते हैं आगे। हम ट्रेन लाइन पे चल रहे थे लेकिन अब रास्ता यहाँ से साइड में आ गया, यहाँ से आगे आओ, और बस इसी रास्ते चलते हैं। भाई अब इस रास्ते को जाना हमें, इसी में हम रुकते हैं थोड़ा बहुत देर, फोन चार्ज करेंगे क्योंकि भाई हमने ना रात फोन चार्ज नहीं करे थे और पावर बैंक भी डाउन है हमारी, वहीं पर रुकते हैं थोड़ी देर बाद निकलेंगे। चल दिए अब यहाँ पर थोड़ा बहुत देर आराम करके, अब देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं, देखिए सारा अपडेट। बहुत मेहनत करते हैं यार भैया, बोलोगे कुछ? क्या नाम आपका? दीपक। कहाँ से हो तुम? शवड़े। भाई ये भाई ना बहुत ही मेहनत करते हैं यार, जैसे क्या मिलते भाई ना, हालत ख़राब हो रही है भैया। भाई कुछ क्या नाम भैया तुम्हारा? भैया क्या नाम है? आदेश। और ये तुम्हारा? देवराज। देवराज 4-5, ये 4-5 लौंडे है भैया। चलते हैं भाई। जिस कैंप में ना हम रुक रहे थे ना अभी पीछे, तो वहाँ पे ना भाई चप्पल चोरी हो गई, तो अंकल ने नए चप्पल दिए, ये चेक करो ये वाले ऊपर, और इतनी सारी बैंडेज दिए चप्पल के साथ, बोल रहे थे नए चप्पल काटेंगे बस दिखाते ही। चलते चलते ना गर्मी बहुत लग रही है भाई, यहाँ पर ना इतनी गर्मी पड़ रही है ना भाई बहुत ज़्यादा। ये चेक करो यहाँ पे ना पेड़ भी बहुत सूखे हुए से पेड़ मिलेंगे सब, ये चेक करो। तो भाई बने रही है हमारे साथ, दिखाते हैं आगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आज जैसे कपड़े धो रहा भाई, कपड़े ना बहुत गंदे हो रहे थे, 8 दिन हो गए ना चलते हुए हमें, तो कई दिन के कपड़े हो गए। और ये हम सब मिटवाने के चक्कर में खड़े हैं यहाँ। चलो भैया एक कैंप लगा हुआ था यहाँ पे, कपड़े वपड़े धुले हमने क्योंकि कपड़े ना काफ़ी सारे गंदे हो रखे थे, 8 दिन हो गए हमें चलते हुए। तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत देर और रेस्ट कर दें क्योंकि कपड़े हमारे सूख रहे हैं ना, फिर उसके बाद चलेंगे। जय श्री श्याम। अपने ना कपड़े सूख चुके हैं, देखो कपड़े भी सूख गए हैं, बस अब निकलते हैं, कपड़े में बैग वैग में रखे कपड़े, बस मिलते हैं थोड़े अपडेट के बाद। खाना वाना खाया था हमने और निकलते हैं सीधा अपनी यात्रा पर, देखते हैं आज कितना सफर हम तय कर पाते हैं, बस बने रहिए मेरे साथ। जय श्री श्याम। भाई सभी भाई निकल चुके हैं, ये मिलते हैं आगे। भाई हालत खराब हो चुकी है भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है ना भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई,
अब देखते हैं कोई रेस्ट वेस्ट करते हैं। पर मुझे क्या लेना, तुम्हें इतना गाइड कर रहा हूं। ये रास्ता मिलते आ गए ना कैंप से पहले रुक रहे भाई, क्योंकि कैंप में भीड़भाड़ भी रहती है और यहाँ पे हम ठंड में रुकने वाले हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लग रही है, बस बन रही है हमारे साथ। अभी मैट बिछाते हैं अपने और बैठते हैं सारे भाई। ये बिछा मैट तो बस यहीं पे बैठते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपनी यात्रा पर। वेस्ट कर लिया, अब निकलते हैं अपनी यात्रा पर। जय श्री श्याम। जैसे हम इस रास्ते से जा रहे थे ट्रेन लाइन के बराबर में, कच्चा जो रास्ता जाता, तो भाई यहाँ पे ना पानी पीने के लिए ना कितनी अच्छी सुविधा कर रखी है। ये देखो मटका भर के विकास पी रहा पानी, मटके में पानी रख रखा है सभी भक्तों के लिए। तो बस चलते हैं आगे। इसे हम सारे भाइयों को, भाई 5:30 बज चुके हैं और नारनौल अभी तक भी नहीं पहुँचे हम। बस 4-5 किलोमीटर रहा, उसके बाद नारनौल पहुँच जाएंगे हम। और भाई ये चल रहे हैं अपने भाई इधर और विकास आगे जा रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ। दिखाते हैं नारनौल सीधा। अब फाइनली नारनौल पहुंच चुके हैं हम। और भाई हालत ना ख़राब हो रही है, क्योंकि पैर में ना इतना दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। तो आगे कहीं शिविर पड़ेगा तो उसमें हम ठहरने वाले हैं भाई। बस बने रहिए हमारे साथ भाई। यहाँ पे कैंप लगा हुआ भैया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा पंटी। भैया आपका? सौरव। भैया आपका क्या नाम है? नाम बता। अभी से अग्रवाल सरस्वती स्टील तार फैक्ट्री। तुम्हारा? सौरव नाम है जी। भैया सेवा में। चलो मिलते हैं आगे। जय श्री श्याम। हमारी माता जय श्री श्याम सभी को। मैंने अभी पहली बार देखा। तो भाई बहुत मेहनत करनी है सभी हम सभी को। जय श्री श्याम। तो भाई हम यहाँ से निकल जा रहे थे, इन अंकल का यहाँ से सिविल लगा रखा हुआ। अंकल आप यहीं से? नारनौल से। अच्छा आप भी? ये मेरे बड़े भाई हैं जी। अच्छा, कुछ बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। बोलो क्या बोल। ये 15 साल से लगा रहे हैं जी सिविल, और सब ये परिवार के ही हमारे बहन बेटियाँ और जो हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे भतीजे, सब परिवार के लोग ही सेवा दे रहे हैं यहाँ। अच्छी बात है। श्याम बाबा का आशीर्वाद। श्याम बाबा का आशीर्वाद है, सब श्याम प्रेमियों का आशीर्वाद है। तो एक बार सभी बोलेंगे जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। चलो भाई मिलते हैं। आप कैंप लगा हुआ तो फिर तो भाई सब अच्छा प्यार दे रहे हैं और बहुत मदद कर रहे हैं भाई सभी भक्तों की। बस बने रहिए हमारे साथ। नारनौल पहुंच गए हैं, वैसे हम मिलते हैं आगे। हो चुकी है और अभी तक हम नारनौल में चल रहे हैं। और देखो हम कहां पर चल रहे हैं, इस टाइम पटरियों पर चलना पड़ रहा है भाई। देखो सब भक्त ये जा रहे हैं और ये पीछे सुरेंद्र और सब ये। तो मिलते हैं आगे, कहां पर ठहरते हैं हम दिखाएंगे सारा कुछ। यहाँ पे एक शिविर लगा हुआ है, तो देखते हैं हमें व्यवस्था मिलती है तो हम ठहरते हैं हम आज की रात। ये चेक करो, काफ़ी बड़ा शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। मंदिर है यहाँ पे श्री श्याम मंदिर। बस बने रहिए, देखते हैं अभी आगे। जय श्री श्याम सारे भाइयों को। भाई अभी मैंने पीछे तुम्हें दिखाया था कि हम इस शिविर में रुकने वाले हैं, तो भाई हम इसी शिविर में रुक गए हैं। और ये नीचे बेसमेंट है, जमीन के अंदर जो होते हैं ये रूम है। सारे भाई यहीं पर सोएंगे पूरी रात। तो अभी खाना वाना खाते हैं ऊपर जाके, उसके बाद मिलते हैं। मैं खाना खाने और विकास भी जा रहा है मेरे साथ, तो अभी ऊपर खाना खाने जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये चल रहा अपना खाना, अभी खाना वाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। भाई ये अपना खाना, खीर आलू छोले और रोटी, ये खा रहा इधर विकास। बस खा के तो भाई खाना वाना सब खा लिया, अब नीचे आ गए हम। तो भाई अब सोते हैं और अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो भाई कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। तो जिस भाई ने भी अभी हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय श्री श्याम।